जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये मॉडल है 15x30। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, आप देख पा रहे होंगे फ्रंट से। और ये जिसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 15 फीट, और लंबाई की बात करें तो ये 30 फीट है। ये मॉडल एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने बोला था कि सर इसको 15x30 का डिज़ाइन करिएगा, तो इसी को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसका ग्राउंड फ्लोर क्या है, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये मॉडल, और पूरा आज हम डिस्कस करेंगे विद डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका ट्रांसपेरेंट मॉडल, इसका ट्रांसपेरेंसी में कैसा दिखने वाला है। जैसा ट्रांसपेरेंट करते हैं तो आपको देखिएगा कितना खूबसूरत मॉडल लगता है, मेन गेट और पूरा आपको सब कुछ दिखता है, स्टेयर्स और सारी चीज़ें इसमें, दीवारें हाइड हो जाती हैं। तो ये पूरा मॉडल है 15x30 का, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान मैंने दोस्तों बनाया आप सभी लोगों के लिए, तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। और दोस्तों मैं हूँ पवन छागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो लगातार देखते रहें। तो आज इस प्लान को हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम लोग रिमूव कर लेते हैं, और जैसे ट्रांसपेरेंसी आप रिमूव करते हो तो आपको ये मॉडल पूरा दिखेगा। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राउंड फ्लोर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ग्राउंड फ्लोर है, बेहतरीन सा मॉडल। पीछे एक बेडरूम है, और ये आपका लेटरिंग और बाथरूम है, ये आपका ओपन किचन है, और ये मेन आपका गेट है, ये एक विंडो दे दिया है मैंने, तो पूरा डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप मेन विंडो गेट से आप यहाँ एंटर करते हैं तो साथ में आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं, और यहाँ से आप लगभग 2 फीट का ये एरिया छूटा हुआ है, आप स्टेयर से ऊपर जाएंगे और ये आपका हॉल टाइप का मिल जाता है, जहाँ पर आपका सोफा पड़ा हुआ है, और ये आपको गैलरी मिलेगी। ये आप जैसे एंटर करते हैं तो साइड में आपका ये ओपन किचन मैंने दे दिया है, और ये 2 फीट का 2.5 फीट का लगभग जगह छोड़ दिया, आप इसको स्टोर बना सकते हैं कुछ भी। और ये आपका लेटरिंग और बाथरूम कंबाइंड कर दिया है, ये आपका वॉशरूम वॉश टाइप का बना दिया है, आप इसमें अपना जो भी चाहे वो कर सकते हैं। और ये रूम का बेडरूम का मेन डोर है, जो मैंने केवल यहाँ पर एक ही बेडरूम दिया है। और दोस्तों इसका अगर साइज आपको सभी का जानना है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका नाम है smallhouseplan.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको एक एक एग्जैक्ट डायमेंशन आपको मिलेगी, कितने बाई कितने का रूम है, और कितने बाई कितने का किचन है, और कितने बाई कितने का आपका लेटरिंग एंड बाथरूम ओपन, सब कुछ आपको यहाँ डायमेंशन मिलेगा, और उसका 3D व्यू भी मिलेगा। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, तो आप इस पर जरूर से जरूर विजिट करें। और तो आप चलो हम लोग जो मॉडल डिस्कस कर रहे थे, तो ये पूरा बेडरूम मैंने यहाँ 2 बेड डाल दिए, आप पर डिपेंड करता है कितना डालते हैं। तो ये बेहतरीन सा हो गया 15x30 का मॉडल। इसका डायमेंशन दोस्तों फिर से मैं बोलूँगा, अगर आप इसका एग्जैक्ट डायमेंशन जानना चाहते हैं रूम का, ओपन किचन का, और अपने बाथरूम का, और ये वाली एरिया का, तो पूरा डिस्कशन मैंने दिया है इस वेबसाइट। देखिए अगर हम रूम की बात करें तो 10.9x15 है, तो ये आपका एरिया हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि लेटरिंग बाथरूम 4.9x5.9, ये आपका लेटरिंग का पूरा एरिया है। तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है इस वेबसाइट पर, सभी फ्लोर्स के दिए गए हैं दोस्तों, अगर हम फर्स्ट की करें या ग्राउंड फ्लोर की बात करें, जैसा भी आप पूरा आप देख पाएंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर विजिट करें। तो ये आप ग्राउंड फ्लोर देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 विंडो दे दिया है इस पर, और अगर ये आपका लेटरिंग है तो इसमें मैंने कोई वेंटिलेशन दिया है, और आपका किचन तो ओपन ही है, और लेकिन सामने से भी एक मैंने विंडो दे रखा है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट फ्लोर। तो जैसा फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो सामने से तो आपको ऐसा फर्स्ट फ्लोर दिखने वाला है, देख लो आप। बालकनी मैंने अप्रॉक्स 2.5 फीट का निकाल दिया है, 2 से 2.5 फीट का। जैसे आप उसी स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से मैंने स्टेयर्स अगले फ्लोर के लिए दे रखे हैं। तो जैसे आप जाते हैं यहाँ पर जो किचन था ये मैंने हटा दिया, और ये रूम जो था ये इस यहाँ वाला विंडो हटा दिया, ये विंडो और ये आपका दरवाजा लगा, सेम टू सेम पीछे वाला बेडरूम वही रह गया। एक मैंने बेडरूम भी और निकाल दिया है, तो इसका भी शायद आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये आपका विंडो हो गया, और ये आपका ओपन एरिया मिल जाता हॉल टाइप का, खूब बेहतरीन सा। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात है, स्टेयर्स हैं आप ऊपर फिर से जाएंगे, तो मैं अब आपको ले चलूँगा लास्ट फ्लोर पर। तो मैंने स्टेयर्स को यहाँ पर ढक दिया, और आप देखिएगा जब आप छत डाल देंगे तो बेहतरीन सा मॉडल आपको दिखेगा, ये आपको पूरा कवर्ड हो जाएगा एरिया, तो आपको बेहतरीन खुला दिखेगा। और ये 2.5 फीट के लगभग बालकनी मैंने भी निकाल दी है, तो बहुत बेहतरीन फर्स्ट फ्लोर डिजाइन हुआ है दोस्तों। देखिएगा आपका ये पूरा स्टेयर्स हो गए, ये आपका एरिया ओपन, ये पूरा एरिया ओपन, और ये आपका बेडरूम, ये बेडरूम, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो और बेडरूम आगे यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और लास्ट फ्लोर तो मैंने ढक दिया है सारी चीज़ें, और ये सिर्फ स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने ये ऊपर छोटा सा बना दिया है। तो ये पूरा मॉडल था आपने देखा।
तो कैसा लगा ये दोस्तों मॉडल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डायमेंशन जानने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें, और अगर आपका कोई रिकमेंडेड हाउस प्लान है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए। तो मैं सारे तो डिज़ाइन नहीं दोस्तों बना पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर डालते हैं कमेंट करके तो मैं किसी ना किसी एक का सिलेक्ट करके ज़रूर बनाऊँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर